वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमजा मलिक ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हमजा मलिक फ्रॉम हमजा मलिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। गाइस उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमजा मलिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरे तमाम हाजरीन नाजरीन को एक तो सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद और दूसरे नंबर पर मेरी न्यू वीडियो के अंदर खुशामदीद। गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि एजुकेटेड लोग हैं, जिनको इंग्लिश जो है वो लिखना जानते हैं, इंग्लिश समझना जानते हैं और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें चांसेस नहीं मिलते, हम जो है हमने एजुकेशन भी हासिल किया लेकिन हमें चांसेस नहीं मिल रहे कि हम ऑनलाइन फील्ड कुछ अर्न कर सके। तो उनको स्किल के तहत आज मैं एक ऐसी वेबसाइट के मुताबिक बताने वाला हूं जिसके अंदर वो सारा मेथड सीखेंगे कि आपने आर्टिकल्स लिख के किस तरीके से अर्निंग कमानी है। क्योंकि आर्टिकल लिखते हैं फाइवर पे जाएं तो ऑर्डर्स नहीं मिलते, बहुत ज्यादा आगे से आर्टिकल राइटर्स जो है वो आगे काम कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए एक ऐसी साइट लेकर आया हूं जिसमें आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख के अपने लिए अच्छी खासी जो है इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, यानी मंथली $200 से $250 तक। तो आपने उस अर्निंग को, आपने आर्टिकल लिखना कैसे है, उस साइट में लॉग इन कैसे करना है, उस साइट में आपने किस से अपना अकाउंट क्रिएट करना, आपको अर्निंग मिलेगी किस तरह, उसको विड्रॉ किस तरह करवाना है, सब के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में उनका आंसर आपको मिल जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसी साइट जो है पेपाल में अर्निंग देती है तो इसका भी अल्टरनेटिव प्रोग्राम है, इसका भी अल्टरनेटिव जो हल है वो भी हल भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरे तरीके से वॉच करना है। और जो लोग मेरे चैनल हमजा मलिक ऑनलाइन पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हमजा मलिक ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन को सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि जो साइट है इसका लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसके अलावा गूगल से भी आप इस साइट को इजीली जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपको वहां से नहीं मिलती तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तो जरूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक का आपको मैं बताता चलूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक होता क्या है, मैं पहली वाली वीडियो से आपको इसका डेमो दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा तो आपने इसके टाइटल पर क्लिक करना है, टाइटल पर क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो पहला ब्लू कलर का लिंक होता है ये देखें, जिसको मैं एरो साइन करके दिखा रहा हूं, आपने उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आपने क्लिक करना है आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें गाइस, ये हब पेजेस नामी .com नामी एक वेबसाइट है, गूगल पे भी आप लिखेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगी, हब पेजेस इस साइट का नाम है। तो आपने जैसे ही यहां पे आना, सबसे पहले तो आपने ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है यहां पे राइट फॉर अस का, राइट फॉर अस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आपने क्लिक करना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, सबसे पहले आपने नेम देना, नेम थोड़ा सा यूनिक देना है क्योंकि ये आपका होम बनेगा, यानी कि HTTP जो है वो .. आगे दो स्लैशेस hubpages.com फिर स्लैश @the rate of के बाद आपका यूजर नेम यहां पे लगेगा। यहां पे इसके अलावा आप साइन अप कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए भी, ईमेल आईडी दे देनी है, पासवर्ड देना है, रीटाइप पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना है, आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा सॉल्व करने के बाद साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं कि उसका इंटरफेस किस तरह आपके सामने नजर आएगा। ये मैंने पिक्चर्स थी, मैंने पहले अकाउंट इसमें क्रिएट कर लिया था, क्रिएट करने के बाद किस तरह का सेटअप नजर आएगा वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। गाइस जैसे ही आपका यहां पे अकाउंट क्रिएट होगा तो ये गाइस इस तरह क्या है कि सब डोमेन टाइप क्या है, यानी कि वो फ्री लांसर्स को एक जो है ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि अगर वो दूसरी मेन साइट जिसमें अपवर्क आ जाती है या आ जाती है फाइवर आ जाती है, अगर वहां पे फ्री लांसर की कैटेगरी आर्टिकल राइटर वाली, अगर आर्टिकल राइटर्स को वहां पे काम नहीं मिल रहा तो ऐसी साइट्स पे आके वो काम कर सकें। तो गाइस इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। मैं इन तीन डॉट्स पे क्लिक करता हूं, यहां पे आपको मेरा नजर आ रहा है यूजर नेम, साइन इन में हुआ हूं, ठीक है, नोटिफिकेशन माय अकाउंट जो है वो भी आपको नजर आ रहा है। वहां पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी एक दे देनी है और वहां से आपने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। और यहां पे अर्निंग और प्रोफाइल, अर्निंग के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो अर्निंग के ऑप्शन में आपको बता देता हूं कि मेरा अकाउंट इसमें बिल्कुल खाली है, पेंडिंग भी मेरी इसमें कोई नहीं है इसमें, और इस मंथ में कोई डॉलर्स नहीं है, पिछले मंथ में भी कोई नहीं था क्योंकि मैंने अभी इसमें अकाउंट क्रिएट किया, बिल्कुल खाली अकाउंट पड़ा हुआ है, कोई डॉलर इसमें नहीं है। लेकिन यहां पे टॉपिक्स आपको उसने दिए हैं, आप किस किस टॉपिक पे लिख सकते हैं, आर्ट एंड डिजाइन हो गया, हेल्थ हो गया, हॉलीडे सेलिब्रेशन यानी कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपको ट्यूटोरियल है उसके बारे में लिख सकते हैं, फाइनेंसिंग के बारे में लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल इश्यूज पे लिख सकते हैं, ब्यूटी, फिलोसफी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, इसके अलावा गेम्स, टॉय, ट्रेवल्स, इसके अलावा जेंडर रिलेशनशिप, जिस मामले पर भी लिखना चाहते हैं आपको टॉपिक इसके बहुत ज्यादा वाइड रेंज में टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसका आपको नीचे पता चल गया, प्रोफाइल में आप अपनी सेटिंग कर लीजिएगा। यहां पर आपने राइट के बटन पर अगर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो राइट के बाद आपके पास आ जाएगा कि आप अपना राइट अपना पहला आर्टिकल लिखें, ठीक है। यहां पे आपने आर्टिकल का टाइटल दे देना है, टाइटल देने के बाद आपने यहां पे
उसका लेआउट दे देना कि आपने किस तरह का लेआउट देना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपना टाइटल यहाँ से जो इनको अपना लिखना स्टार्ट कर देना, कंटिन्यू करके आगे इस तरह टाइटल लिखते जाना। आगे टाइटल लिखने का आपको पता ही है पहले गाइस, ठीक है। और गाइज अगर आप आर्टिकल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टैटिस्टिक्स हो गए, वायलेशन के बारे में रूल्स लिखे हैं, ब्रोकर लिंक्स के आपने कौन से टॉपिक्स पे नहीं बनाना, वीडियो कमेंट सेक्शन को किस तरह आपने करना है, रन करना है, ट्रैफिक सोर्स भी आपको ये बताएगा, आपके ऑथर के बारे में भी इसमें यानी इन्फॉर्मेशन। अपना कॉन्टेंट लिखना है, कॉपीड कॉन्टेंट बिल्कुल नहीं लिखना, कॉपीड कॉन्टेंट बार बार मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं लिखना, अपना कॉन्टेंट लिखना है। किसी की साइट पर जाकर कॉपी पेस्ट करने वाला काम यहाँ पे नहीं करना, वरना आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका लिंक है एडिसन के साथ, और ये एडिसन के आपका जो आर्टिकल है वो इनकी साइट पे आएगा, आपका लिखा हुआ होगा, उसकी जो अर्निंग होगी कुछ ना कुछ ये उसका हिस्सा रखेंगे, बाकी आपको देंगे, ठीक है गाइस। और इसमें आपने ये नहीं करना कि कोई भी इसमें कॉपीड जिसको प्लेजराइज्ड कंटेंट कहते हैं वो इसमें नहीं रखना, बिल्कुल रियल सोर्स रखना है। और अगर आपका गाइस एक आधा आर्टिकल भी साइट पर रैंक कर जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग यहां पर आके एड रन करते हैं, अगर एक भी आर्टिकल आप पर रैंक करके आप सारी उम्र के लिए एक आर्टिकल की बेस पर भी पैसे कमा सकते हैं, इसलिए बहुत अहम वीडियो है। और गाइस यहां पर एक मैं क्वेश्चन आपका ना, और यहां पर जो आपका जो अक्सर लोगों के ज़हन में आता है वो भी यहाँ पे जो है ना उसका भी मैं आंसर दे दूं कि क्या ऐसी साइट्स असल में अर्निंग देती हैं। इसके लिए मैंने एक दूसरे ब्राउज़र के ऊपर बिल्कुल ही जो है इम्पार्शियल होकर आपके लिए लिख के आपके सामने एक एविडेंस रखा है, हब पेजेस के नाम, आप कोई भी अपने ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र पे जाके हब पेजेस के नाम से लिखें, लिखा आपके सामने एक तो बिल्कुल लीगल साइट खुल जाएगी। नीचे जो इनके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उनको अगर आप खोल के देखें तो आपको पता चल रहा है, कैन यू मेक मनी ऑन हब पेजेस, वो कहते हैं आप मनी यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स ऑफ मनी है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनका जो ये जो पार्टनर्ड है गूगल एडिसन के साथ और Amazon affiliate program, क्योंकि Amazon की products के बारे में भी अगर आपने कुछ लिखना है तो वो भी affiliated है इसी site के साथ, तो इसलिए आप वो कहता है कि when you create a hub, जब आप create करेंगे वहां पे अपना article लिखेंगे तो ads appear होंगे वहां पे Edison की तरफ से और hub page के अपने owners की तरफ से वहां पे ऐड होगी और आपको आपको परसेंटेज मिलेगी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपके आर्टिकल्स पर, तो बिल्कुल legit है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर लोगों का होता है कि PayPal जो है वो तो पैसे नहीं देता, तो यहाँ पे हब पेजेस पाकिस्तान के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अर्निंग इसमें पाकिस्तान की भी मिलती है। और नीचे अगर पेमेंट के बारे में इसको थोड़ा हम बैक करते हैं, पेमेंट के बारे में अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि पेपाल पे इनकी पेमेंट होती है तो पेमेंट का क्या इसमें जो है वो है, तो हब पेजेस अर्निंग के ऊपर आप अगर क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ, हब पेजेस अर्निंग वाला क्वेश्चन अगर आप ये भी इसमें गूगल सर्च में जाएंगे तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि इनका वो कहता है ऑन एवरेज अगर 300 व्यूज आते हैं ना डेली तो आपको $1 मिलता है, ठीक है। और ये चूंकि एडिसन के साथ है अटैच, तो इसलिए अगर वैसे तो पेपाल में जिन कंट्रीज में पेपाल है वहां पर तो ये पेपाल में अर्निंग देते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज में पेपाल काम नहीं करता वहां पर ये अर्निंग गूगल एडिसन के थ्रू देते हैं, और एडिसन का सोर्स या तो बैंक है और यहां तो दूसरे नंबर के ऊपर आपको पता है कि वो वेस्टर्न यूनियन है, तो दोनों तरीकों से पेमेंट मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक हो गया गाइस। तो आपके सारे क्वेश्चन का जो है इसमें मैंने आंसर दे दिया, तो गाइस वक्त जाया ना करें, इस साइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें और जाके इस साइट के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ठीक है। आप ऐसे ऐसे जो रियल वेज है उनके ऊपर ज्यादा काम करें और रियल वेज पे काम करके आप इजीली अर्निंग इससे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की साइट, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल कॉन्टेंट ऐसा आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूं तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करनी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।